हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है ब्यूटी टिप्स एंड हैक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फाइन केयर एडवांस स्किन ब्राइटनिंग सीरम के बारे में रिव्यू दूंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ जुड़े रहूँ और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। फ्रेंड्स, सीरम जो होते हैं वह स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं और आज मैं जिस सीरम का रिव्यू दे रही हूँ फाइन केयर का है। वह सीरम काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, स्किन ब्राइटनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। आपकी स्किन को ब्राइट करेगा, अगर आपकी स्किन पर डलनेस आ गई है तो उसे रिमूव करेगा। फ्रेंड्स, यह काफ़ी अच्छा सीरम है। इस सीरम से आपकी स्किन पर पिंपल्स के डार्क स्पॉट्स हो चुके हैं तो उन्हें भी रिमूव करेगा। काफ़ी बेस्ट सीरम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपकी स्किन डार्क हो गई हो या टेनिंग हो गई है तो उसे भी लाइट करने में काफी हेल्पफुल है यह सीरम। और फ्रेंड्स, इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है कोजिक एसिड, लिकोराइज एक्सट्रैक्ट का यूज में लिया गया है फ्रेंड्स, और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट का यूज में लिया गया है। तीनों इंग्रेडिएंट्स इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कोजिक एसिड है जो मैं आपको बता चुकी हूँ और भी वीडियो में, कोजिक एसिड स्किन को लाइट करने में काफी हेल्पफुल होता है। हमारी स्किन अगर डार्क हो गई है तो उसे लाइट करने में काफी हेल्पफुल होता है कोजिक एसिड। लिकोराइज एक्सट्रैक्ट फ्रेंड्स, यह भी काफी अच्छा होता है स्किन के लिए। यह डार्कनेस, डलनेस और फाइन लाइन रिंकल्स को रिमूव करने में काफी अच्छा होता है। और ग्रीन टी तो फ्रेंड्स स्किन के लिए काफी बेस्ट होती है, स्किन पर ग्लो लाती है, तो ग्रीन टी का भी इसमें यूज में लिया गया है। और फ्रेंड्स, क्या क्या यूज में लिया गया है मैं आपको बताती हूँ इस सीरम में। फ्रेंड्स, इसमें विटामिन ई का यूज में लिया गया है। विटामिन ई काफी अच्छा होता है स्किन के लिए। और फ्रेंड्स, विटामिन B3 का भी यूज में लिया गया है और विटामिन सी का भी यूज में लिया गया है। फ्रेंड्स, विटामिन सी की तो बात ही क्या है, वो तो स्किन के लिए काफी बेस्ट होता है। विटामिन सी स्किन की फाइन लाइन रिंकल्स इनको रिमूव करता है और स्किन को डार्क होने से रोकता है, हमारी स्किन को रिपेयर करता है विटामिन सी, तो वह इसमें यूज में लिया गया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इसमें जोजोबा सीड ऑयल का भी यूज में लिया गया है। फ्रेंड्स, ऑयल जो होते हैं वह भी काफी अच्छे होते हैं स्किन के लिए। जोजोबा ऑयल का यूज में लिया गया है। और फ्रेंड्स, इसमें व्हाइट टी का भी यूज में लिया गया है, वह भी काफी अच्छी होती है स्किन के लिए। फ्रेंड्स, इसमें कई सारे इंग्रेडिएंट्स यूज में लिए गए हैं जो कि स्किन के लिए काफी अच्छे होते हैं। फ्रेंड्स, यह मेन व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग सीरम है, आपकी स्किन को व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग करेगा, काफी इफेक्टिव सीरम है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन डार्क है तो उसे लाइट करने में काफी अच्छा सीरम है यह व्हाइटनिंग सीरम है फ्रेंड्स, काफी बेस्ट सीरम है। फ्रेंड्स, सीरम जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं स्किन के लिए, स्किन को रिपेयर करते हैं। हमारी स्किन अगर डैमेज हो चुकी है या किसी चीज का साइड इफेक्ट हो चुका है स्किन पर तो सीरम्स जो होते हैं वो हमारी स्किन को रिपेयर करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें इंग्रेडिएंट्स काफी अच्छे यूज में लिए गए हैं, विटामिन सी भी लिया गया है, वह भी स्किन को रिपेयर करता है, तो फ्रेंड्स यह काफी अच्छा सीरम है। फ्रेंड्स, सीरम्स जो होते हैं उसे नाइट में ही यूज करना चाहिए। फ्रेंड्स, विटामिन सी जो होता है वह धूप के अल्ट्रावायलेट किरणों में काफी इफेक्ट आता है विटामिन सी से, तो फ्रेंड्स इसमें विटामिन सी का भी यूज में लिया गया है, तो आप इसे नाइट में ही यूज कीजिएगा। इसमें विटामिन सी का यूज में लिया गया है तो सीरम को नाइट में ही यूज कीजिएगा, इसको धूप में लगा कर ना जाए, यह नाइट सीरम है, इसको नाइट में ही यूज करें। तो फ्रेंड्स, यह फाइन केयर का काफी अच्छा सीरम है, आप लोग इसे यूज करके देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको इसे परचेस करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहां से आप यह सीरम परचेस कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ जुड़े रहूं और अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूं और प्रोडक्ट की आपको जानकारी दे सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।